आज इस वीडियो में हम गैफी और जोई को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। जोई, ये देखो, इस कहानी की किताब में कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। हाँ गैफी, ये चित्र तो बहुत सुंदर है। ये एक शेर का चित्र है। हाँ, चलो इस किताब में दी गई कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में और कौन कौन से जानवर हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। एक दिन एक शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा कि एक राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। ये देखो जोई, इस कहानी में हाथी भी है। हाँ गैफी, चलो आगे बढ़ते हैं। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस फिर क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। गैफी, तुम्हें क्या लगता है कहानी में आगे क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि शेर बहुत मजे से अपने नए आसन पर बैठ गया होगा और पूरे जंगल की सैर आसन पर बैठकर ही करता होगा। बच्चों, क्या आपको भी यही लगता है? चलो कहानी में आगे पढ़कर पता लगाते हैं। जैसे ही हाथी आगे की ओर चला, आसन हिल गया और शेर धड़ाम से नीचे गिर गया। शेर की टांग टूट गई और सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। शेर सभी जानवरों को हंसता हुआ देख खड़ा हो गया और कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक है। दोस्तों, थी ना ये कहानी मजेदार? जोई, और मुझे कुछ प्रश्नों को भी हल करना है। क्या आप हमारी मदद स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में करेंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? शेर को किस पर आसन लगाकर बैठना था? आपके अनुसार टांग टूटने पर शेर को क्या करना चाहिए था? आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।